हेलो फ्रेंड्स, आपकी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रोशन, आप लोगों को मैथ का क्लास आपकी स्टडी पे लेता हूँ। कल हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे, आज उसका सेकंड क्लास है। इसी को हिंदी में प्रतिशत भी बोलते हैं। कल आपको बेसिक सा चीज बताए थे कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर छोटा छोटा सा चीज बताए थे। परसेंटेज का मतलब क्या है वो बताया था मैं। आज हम लोग उसी क्लास को आगे लेकर के चलेंगे। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये सब क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, ये सब देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 77.77% ऑफ 963, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो ये सब एक्चुअली एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बट ये सब बेसिक चीजें, ये सब अगर आपको नहीं आएगा तो आप परसेंटेज का यूज नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अगर बोले तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें तो अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 77.7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 963, तो इसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम लोग जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कन्वर्जन पढ़े थे, या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मुझे पता है 77.77% देख करके ये पता चल रहा है कि ये 11.11% इंटू 7 है, 1/9 इंटू 7, तो ये आपका हो गया 7/9। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो 7/9 इंटू 963, विच इज, अगर 9 से इसको डिवाइड करें, 107, दैट इज, ये आपका आ गया 7 इंटू 107, 749, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54.54% ऑफ 1430 माइनस 28.56% ऑफ 231, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से अब देखिएगा, ये और ये जो होता है, इसको देख करके पता चल रहा होगा कि ये जो है मेरा 9 का मल्टीपल लग रहा है, ये 9 का लग रहा, और ये मेरा 14 का मल्टीपल लग रहा है। दैट मीन्स कि ये जो होगा 9.09 इंटू 6% होगा, 9×54, 9×54, और ये जो होगा 14.28 इंटू 2% होगा, ये जो कितना हो जाएगा 1/11 इंटू 6, और ये जो हो जाएगा 1/7 इंटू 2। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/11 इंटू 6 इंटू 14/30 माइनस 2/7 इंटू 2/31। यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 11 1 3 आ गया, 3 0, ये 780 हो जाएगा। और यहां से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 7 21, 2 आ गया 7 21, 33 2 66 हो गया। अब यहां से आप घटा दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 और 1 4, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परसेंटेज ऑफ 406 प्लस 26 2/3 परसेंटेज ऑफ 600। अब यहां से कैलकुलेट कीजिए, कैसे कीजिएगा, क्या होगा, ये 7 का मल्टीपल और ये कितना है, 6×24, तो अगर आप यहां से देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 1/3 इंटू 3% होगा। और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, 6 2/3 इंटू 4, यही होगा, 6×24, 4 2 8 हो गया। ये जो होता है कितना होता है, 1/14 होता है, ये मेरा कितना होता है, 1/15 होता है। तो यहां से डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/14 इंटू 406 प्लस 4/15 इंटू 600, ये 40 हो गया, 14 2 28, और ये 12 आ गया, 14 9, ये आ गया कितना, 87 प्लस
160 कितना आ गया 814 247। एक और देखेंगे उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 32.5% ऑफ 636, इसको सॉल्व कीजिए तो अगर देखिएगा तो ये कितना है 30% प्लस 2.5%, 30% मेरा कितना हो जाएगा 3/10 और ये 2.5 मेरा कितना हो जाएगा 5 का 1/40। तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 40 नीचे करने के लिए 12/40 प्लस 1/40, तो ये कितना हो गया 13/40, 13/40 हो गया। मतलब इसका वैल्यू जो हो गया 13/40 गुने 636, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 × 4 2 आ गया 20, 9 × 36 यही हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 × 15 9/10, तो ये कितना आ जाएगा 2049 6.7 ये हो गया आपका आंसर, हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि ए परसेंट ऑफ बी बराबर बी परसेंट ऑफ दैट इज, दैट मीन्स कि अगर सपोज 10% ऑफ 50 दिया हुआ है तो यह बराबर हो जाएगा 50% ऑफ 10। इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब यह है, आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं 10% ऑफ 50 दैट इज 10 से 10, ये 5 आ गया। सेम चीज अगर इधर देखिएगा तो 50 5, तो अगर देखिएगा तो 5 5 बराबर है। कहने का मतलब कि ये अभी पता नहीं चल रहा होगा कि क्या है, जब अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आप देखिएगा कि उसमें कैसे ये यूज होता है, खास करके बैंकिंग एग्जाम्स में इसका बहुत यूज होता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज अगर मान लिया जाए ए परसेंट ऑफ एक्स प्लस बी परसेंट ऑफ एक्स ये हुआ, तो ये हो जाएगा ए परसेंट प्लस बी परसेंट ऑफ एक्स दैट इज ए प्लस बी परसेंट ऑफ एक्स। ये प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, अगर माइनस हुआ तो अगर ये बड़ा है यहां पे, अगर आप देखिए तो ये जो है यहां पे ए बड़ा बोल रहा है, अगर बी बड़ा हुआ तो आपको बी पहले हो, बी माइनस ए हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं है। कैसे, जैसे कि अगर 10% ऑफ 50 प्लस 20% ऑफ 50 तो आप डायरेक्टली इसको 30% ऑफ 50 लिख सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 30/100 गुना 50 15। या फिर आप इसको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 10% ऑफ 50 तो 10/100 गुने 50 5 आ गया प्लस 20/50 10, तो ये आपका आ गया यहां से 5 + 10 = 15। तो ये दो छोटा छोटा था, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है और ये भी बहुत यूज होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 840% ऑफ 62.5 अगर ये दिया हुआ तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी मैं आपको बताया कि ए परसेंट ऑफ बी बराबर बी परसेंट ऑफ ए, तो वही सेम चीज यहां पे कर लेंगे कि ये मेरा जो हो जाएगा 62.5% ऑफ 840 हो जाएगा। अब अगर आप देखें 62.5% क्या हो जाता है मेरा, ये आपका 5/8 होता है, मैं आपको बताया था ये डायरेक्टली, अब मैं डायरेक्टली लिखा करूंगा 5/8 × 840 105, तो 525 ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए 64% ऑफ 785 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस
वोट परसेंट बराबर 29 into 21। अभी मैं आपको बताया था कि ए परसेंट ऑफ एक्स प्लस बी परसेंट ऑफ जो होता है ये आपका ए प्लस बी परसेंट ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो वहीं से अगर आप देखिए तो इसका बेस दोनों का सेम है, तो 36 और 64 मेरा कितना हो जाएगा, 100% ऑफ 785 माइनस, इसको मान लिया जाए मैं, ये क्या होगा, इसको ए मानते हैं, बराबर 29 into 21, यही होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, खुद वैल्यू होगा 785 माइनस ए बराबर, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हो जाएगा 63 माइनस 21, तो आपका कितना हो जाएगा 609 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 785 माइनस 609, तो आपका यहां से आ गया कितना 91 और 85 176, यही हो गया आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई भी अगर एक वैल्यू है तो उसको किसी चीज से, कोई भी एक वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एक फाइनल वैल्यू जो मुझे देता है तो वही मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। सपोज कि 100 है और ये मेरा 120 है, तो 100 ये मेरा क्या है, इनिशियल वैल्यू है और ये मेरा फाइनल वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू में मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि मेरा फाइनल वैल्यू 120 आ जाए। तो अगर 120 बाई 100 मैं करूं तो कितना आ जाए 1.2, तो मैं अगर 100 में 1.2 मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 100 इंटू 1.2, तो ये मेरा जो देगा 120 दे देगा। दैट मीन्स कि ये जो मेरा वैल्यू है ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं, कहने का मतलब कि सपोज x कोई वैल्यू है और बोल रहा है कि मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि x जो है वो मेरा 30% इंक्रीज कर जाए, दैट इज कि वैल्यू जो है 30% इंक्रीज कर जाए। दैट मीन्स कि x एक वैल्यू है, इसमें कौन सा मल्टीप्लाई करूं x में जो ये 30% से इंक्रीज कर जाए। तो x में 30% से इंक्रीज कर रहा है, अगर आप देखिए तो यही ना बोला जा रहा है कि x में ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि x जो है वो 30% से इंक्रीज कर जाए। मतलब कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म में देखें तो एक कोई सामान है जिसका दाम x है, अगर उसको मैं 30% प्रॉफिट चाहता हूं तो उसको किस दाम पे मैं बेचूं कि मुझे 30% का प्रॉफिट हो। तो अगर ये x में यहां से कॉमन लू तो 1 प्लस 30 बटा 100 होगा, x इंटू 130 बाई 100 होगा, दैट इज 1.3x हो जाएगा, यही होगा। तो ये जो 1.3 मेरा आया यही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब कि मैं किसी वैल्यू में क्या ऐसा इंक्रीज कर दूं, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा जो है 30% से इंक्रीज कर जाए, तो यही जो है मेरा 1.3। कहने का मतलब कि x तो है ही x और उसमें जो है 30% से इंक्रीज होगा, तो ये जो हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। और अगर बोला जाए तो यही जो होता है मेरा परसेंटेज चेंज होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि परसेंटेज चेंज कैसे होता है, इनिशियल और फाइनल। सपोज ये 100 है और ये मेरा 150 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 50 प्लस 50, इससे 50 ज्यादा है। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच चेंज कितना है तो 50 का चेंज है, और यही टर्म अगर मैं बोलूं कि ये कितना चेंज है, कितना परसेंट चेंज है, तो हमेशा मैं आपको एक चीज बताया था कि बेस वैल्यू, यही जो बेस वैल्यू है वो आपको आगे काम आएगा परसेंटेज निकालने में। तो ये जो 50 है किसका चेंज है, मेरा इनिशियल का चेंज है,
इसका नहीं, बेस वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो 50 है मेरा बेस वैल्यू का चेंज है 100, तो ये कितना हो गया 50%। दैट इज 50% का चेंज आया, यही होता है परसेंटेज चेंज। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है और परसेंटेज चेंज जो होता है वो क्या होता है, क्या अंतर है। जैसे सपोज एक्स कोई वैल्यू है और हमको ए परसेंट इंक्रीज करना है, तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या होगा और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो एक्स में मुझे ए परसेंट का चेंज, तो जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लिए 1 + a/100, दैट इज एक्स 100 + a/y। तो ये जो टोटल हो गया ये मेरा फाइनल वैल्यू हो गया, और ये जो टर्म हो गया मेरा यही हुआ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, समझ में आया। अगर यही मुझे बोलता कि x में a परसेंट का डिक्रीज करने पर फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो x हो गया मेरा, उसके बाद इसमें जो है a परसेंट का डिक्रीमेंट, तो ये मेरा वैल्यू हो गया, x कॉमन लिए 1 - a/100, तो ये जो हो जाएगा 100 - तो ये जो टोटल हो गया ये मेरा फाइनल हो गया, और ये जो हो गया मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब हम लोग, ये तो मैं आपको बता दिया, अब डायरेक्टली जैसे कि बोला जाएगा कि कोई वैल्यू दिया है, सपोज कि 80 है, इसको अगर हम लोग 50% से इंक्रीज करना है 50%, तो क्या वैल्यू आएगा। तो 80 इंटू, अगर आप जो मैं बताया था अगर वो डायरेक्टली देखें तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर 80 + 80 का 50%। ठीक है, 80 कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 150/100, 80 का 1.5, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 80 + 40 = 120, 80 × 1 और 80 × ½, तो ये इतना हो गया। उसी तरह अगर देखें कि 50% से इसका डिक्रीमेंट, तो 80 का हम डायरेक्टली क्या कर देंगे 0.5 से, तभी तो होगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 80 - 80 का 50%, तो कॉमन ले लिए तो 100 - 50 / 100, 80 × 0.5 सेम आ गया, तो ये मेरा हो जाएगा 40। अब देखते हैं, जैसा सपोज मान लिया जाए ये 100 है, 120 है, ठीक है, तो कितना का चेंज हो रहा है, 20 का चेंज हो रहा है, और अगर देखा जाए तो 20% का चेंज है, मतलब 20% से ज़्यादा। तो 20% कहने का मतलब क्या होगा, +20% है +1/5, तो ये जो होता है मेरा ये इनिशियल वैल्यू होता है, और ये जो होता है चेंज इन वैल्यू होता है। तो अगर फाइनल वैल्यू मेरे को देखना है कि फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो फाइनल वैल्यू जो होता है वो इनिशियल वैल्यू प्लस जो चेंज हो रहा है, तो ये कितना प्लस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि ऐड हो जाएगा 5 + 1 जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ। अब बोला जाए कि इनिशियल वैल्यू मेरा 5 है और ये मेरा कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 6 है, दैट मीन्स कि ये जो हो गया कितना हो गया 1 का + 1 का चेंज हो रहा है। तो ये जो मेरा है इनिशियल वैल्यू को डिनोट कर रहा है 20 times है, ये भी 20 times है, तो ये जो होगा ये भी इसका 20 times होगा, यही है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग, जैसे सपोज +44%, +44% का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वैल्यू है +44% मतलब 44/100, यही होगा प्लस में है, तो 4 से काटेंगे 11 × 44 25 × 100, तो ये जो वैल्यू आया मेरा ये 25, तो ये जो हो गया ये मेरा क्या हो गया इनिशियल वैल्यू, और ये जो मेरा हो गया चेंज वैल्यू। ठीक है, तो अगर फाइनल हम देखें तो फाइनल मेरा क्या हो जाएगा 25 + 11 दैट इज 36। आप यहां से भी देख सकते हैं कि 36 जो है
वो 25 का कितना परसेंट है। और अगर चेंज देखा जाए तो चेंज किसको बोलते हैं, 25 से 36 मतलब कितना का इंक्रीमेंट है, 11, और 11 जो है वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो अगर देखेगा तो 44%। लेकिन अगर जो बोला जाए कि 36 जो है वो 25 का कितना परसेंट है, चेंज तो आपका 44% हुआ, लेकिन अगर देखा जाए कि परसेंटेज कितना है ये 36, तो 36 जो होगा वो 25 का जो होगा वो 144% होगा, 25 चौके और 36 चौके 144%। दैट मीन्स कि 100% तो 25 है ही, 36 कैसे 144 हुआ, क्योंकि 36 जो होगा वो मेरा दो पार्ट में टूटेगा, एक 25 और एक 11। ये तो मेरा 100% हुआ ही हुआ, और ये जो मेरा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 44%, दैट इज दोनों मिला करके 144% हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए जब भी जैसे कि बोला जाए कि 150 जो है वो 75 का कितना परसेंट है, तो 75 का ये 200% है, ठीक है, देख लिया जाए, निकाला जाए तो 75 × 200%। लेकिन वही बोला जाए कि कितना परसेंट चेंज है, तो ये 100% चेंज हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि -35% लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -35/100, 7×35 20×25 मतलब -7/20। तो ये जो हो जाएगा मेरा क्या होगा, इनिशियल वैल्यू बोले या फिर बेस वैल्यू बोले, दोनों सेम है, ठीक है। और ये जो हो जाएगा मेरा चेंज हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये शो कर रहा है कि डिक्रीमेंट शो कर रहा है ये मेरा। तो अगर बोला जाए कि मेरा जो बेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू 20 है, तो फाइनल वैल्यू मेरा क्या होगा, तो 20 और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 7 से दैट इज 13। तो अगर देखें तो ये मेरा 35% से डिक्रीज हो रहा है, तो अगर कोई भी वैल्यू मेरा फाइनल, अगर इनिशियल वैल्यू हमेशा जो बेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, 100% होता है, तो अगर 35% से डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि जो 13 है ये 20 का कितना है, 65% है। तो अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं कि कितना होगा, तो 20×25 तो यहां से देखिए ये 65% है। समझ में आया? क्योंकि अभी जैसे मैं बताया था कि अगर 13 को तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, 20 और -7, तो ये मेरा हो गया 100 और ये जो हो गया -35, तो अगर टोटल देखें तो 65% ये हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आपको बता दिया कि सपोज मान लिया जाए कि ए कोई मेरा वैल्यू है, इसको +-X% से अगर डिक्रीज किए, इंक्रीज या डिक्रीज किए, तो ये क्या हो जाएगा, 1+-X% हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। ये भी आपका सेम चीज है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तभी तो ये जो है फाइनल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सपोज इनिशियल वैल्यू चेंज फाइनल वैल्यू, ठीक है। अगर मैं मानूं कि ए इनिशियल वैल्यू है, चेंज मैं कुछ भी मान लूं, +37%, -20%, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू मेरा क्या होगा, तो फाइनल वैल्यू आपको पता ही है, ए इंटू 1.37 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा ए इंटू 0.8 हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.37 और 0.8। ये आया कहाँ से, आपको अभी बताया था कि ए प्लस ए इंटू 37/100 करूँगा, तो ये हो जाएगा ए कॉमन लेने पे 137/100, और यही हो गया ए इंटू 1.37। उसी तरह इसको अगर करूँगा तो ए माइनस ए का 20%, डेट इज ए कॉमन लिया मैं, तो ये कितना हो जाएगा 80/100, दैट इज ए इंटू 0.8। ये हो गया मेरा इनिशियल और फाइनल वैल्यू। सेम उसी तरह से अगर मैं कोई बी वैल्यू लेता हूँ और इसको बोला कि 45.4
4-5% से चेंज करने के लिए। तो ये अगर ये देखिए तो 9 बजे 45 हो रहा है, तो 9.09 कितना होता है मेरा, 1/11 होता है। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, 5/11 हो गया, ये 5/11 हो गया, परसेंटेज चेंज कितना हो गया 5/11। दैट मीन्स कि अगर कोई मेरा ये इनिशियल वैल्यू मतलब बी मेरा 11 है, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो ये बी का 5/11 होगा, दैट इज यहां से अगर देखें तो 16 बी/11 होगा, यही होगा। या फिर यहीं से आप डायरेक्टली देख सकते थे कि अगर ये मेरा इनिशियल वैल्यू है तो ये मेरा क्या होगा, इनिशियल है, तो फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, 11 + 5 = 16 होगा। तो मेरा इनिशियल क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर 11 बी मेरा इनिशियल होगा तो 16 बी जो होगा मेरा फाइनल होगा, और ये जो होगा 5 यही होगा चेंज। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये था आज का क्लास, आज का क्लास यही रहने देते हैं, कल फिर नेक्स्ट हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये चीज अगर आप समझ गए मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब परसेंटेज चेंज अगर समझ गए, तो फिर परसेंटेज में कुछ रखा नहीं। सो थैंक यू।